बात करेंगे कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम। कॉन्वेक्स हल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट दिए होंगे, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग दो एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, पहला ए और दूसरा वाला ए। दोनों में देखिए सेम पॉइंट है, 11 पॉइंट यहाँ है, 11 पॉइंट यहाँ है। अब हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स हल का पर्पज़ क्या है? कॉन्वेक्स हल का पर्पज़ ये है कि हमें एक बाउंड्री बनानी है जो कि इन पॉइंट को कनेक्ट करे इस तरीके से कि सारे के सारे पॉइंट उस बाउंड्री के अंदर आए। यानी कि हमें एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करनी है इन पॉइंटों को जोड़ते हुए, सारे पॉइंटों को नहीं लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट है उनको जोड़ते हुए, ताकि सारे के सारे पॉइंट उस बाउंड्री के अंदर आए। तो कुछ लोग सोचेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको आसानी से सीधे बाहर वाले पॉइंट लीजिए और उनको कवर अप कर दीजिए। तो हमें मिनिमम से मिनिमम पॉइंट को कवर करके इस बाउंड्री को बनाना है। तो इस बाउंड्री को बनाने के लिए कॉन्वेक्स हल ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना है, इसकी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है ताकि सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाए। तो रियल लाइफ में भी ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जब हमें कोई चीज़ की बाउंड्री बनानी होती है और हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम खर्च आए हमारा और हमारी पूरी की पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो जाए। जैसे आप मान लीजिए कहीं आपके पास जगह पड़ी हुई है, आप उसकी बाउंड्री करवाना चाहते हैं लेकिन आप कम से कम खर्च में उसकी बाउंड्री करना चाहते हैं, तो इस टाइप के, या फिर आपके बहुत सारी मान लीजिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, कोई बगीचा है, आप चाहते हैं कि उन पर कोई इस तरीके से उसके बीच में कनेक्शन बनाया जाए और कम से कम खर्चा है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे कॉन्वेक्स हल आपको यूजफुल होगा। तो कॉन्वेक्स हल में यहाँ पे दो डायग्राम सेम मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं, दोनों को दो अलग अलग एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग नॉर्मली जो एल्गोरिथम है उससे क्या करेंगे कि इसकी बाउंड्री बनाएंगे, दूसरी बार में हम लोग यहाँ पे ग्राम स्कैन जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्राम स्कैन ने जो एल्गोरिथम दी थी कॉन्वेक्स हल के लिए, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक एल्गोरिथम है उससे हम कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस एल्गोरिथम का मतलब सीधा सा मतलब ये था कि हमारे पास जब भी हम कोई 2D प्लेन देखते हैं, यहाँ पे जैसे 2D में दिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग अगर इसको इस तरीके से देखें तो वहाँ पे दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो हमें क्या करना है, इसमें भी अगर हम लोग कहीं भी इस प्लेन को ड्रॉ करें, इस कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करें, तो इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगा, तो हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को ले लेना है। तो मिनिमम पॉइंट यहाँ पे एक्सेस वाई एक्सेस में ये है और मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो हमने इन दो पॉइंट को सेलेक्ट किया। सिमिलरली एक्स एक्सेस में देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट ले लिए, ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे लेफ्ट में ये और सबसे राइट में ये, हमने ये चार पॉइंट ले लिए। अब हमें क्या करना है, चारों को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करिए इस तरीके से और इस तरीके से। ये हमने कनेक्ट करने के बाद हमें देखना है कि कितने पॉइंट इसके बाहर रह जाते हैं। तो देखिए बाहर ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला पॉइंट रह गया। आप चाहें तो उनको पॉइंट नंबर भी दे सकते हैं, P1, P2, P3, P4 या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। मैंने इसीलिए इसको इतना बड़ा बनाया है ताकि आपको आसानी से दिखे, तो मैंने इस पर नंबरिंग नहीं की है। अब हमारे पास ये 1, 2 और 3 पॉइंट ऐसे हैं जो बाहर रह गए। तो अब क्या करना है, हमें हो सकता है एक से ज्यादा मान लीजिए यहाँ पे भी कोई पॉइंट होता तो वो भी बाहर रह गया होता, तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये जो लाइन खींची है इससे परपेंडिकुलर सबसे दूर कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। अगर और कोई पॉइंट होता मान लीजिए यहाँ भी कोई पॉइंट होता तो उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। अब जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसको इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया और इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया, तो इस एरिया के जितने भी पॉइंट रह गए होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो अब हमें इस लाइन को हटाना है और हमारी जो लाइन है वो ये वाली लाइन हो जाएगी। सिमिलरली इसके साथ भी करना है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं थे, अगर होते तो ये कंडीशन आती। सिमिलरली यहाँ पे भी मान लीजिए कोई और पॉइंट होता, यहाँ भी कोई पॉइंट होता या फिर यहाँ कोई पॉइंट होता, तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस की है, तो जिसकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती उसके साथ भी कोई सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ से इससे भी कनेक्ट करना है और इससे भी कनेक्ट करना है, उसके जो अंदर वाली लाइन है उसको इरेज कर देना, कनेक्शन को इरेज कर देना है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हमें वही करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है कि पॉइंट है, तो इसको यहाँ से इससे कनेक्ट करना है और इसको यहाँ कनेक्ट करना है और इस लाइन को इरेज कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना ये सब करने की जरूरत क्या थी, हम तो सारे पॉइंट को कवर ही कर देते। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे भी कोई पॉइंट था, अब और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट था,
ठीक है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि हम इन सारे पॉइंट को कवर करें, तो देखिए आप क्या कहते हैं, यहाँ कवर करते, फिर इसको यहाँ कवर करते, फिर इसको यहाँ कवर करते, फिर इसको यहाँ कवर करते, इस तरीके से फिर इसको यहाँ से ले जाते, इसको यहाँ कवर करते, इसको यहाँ कवर करते। तो देखिए ये जो डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है अगर हम लोग इस लाइन को फॉलो करते, ये जो लाइन थी इस लाइन को फॉलो करते, अगर इस तरीके से जो बाउंड्री बाउंड्री पॉइंट है उनको अगर हम फॉलो करते जाते, तो यहाँ पे आपको बहुत माइनस या डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन जब बहुत सारे पॉइंट हो जाते तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें मिनिमम कॉस्ट में इस बाउंड्री को कवर करना होता है। तो एक तरीका तो ये है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आपको जनरली कॉन्वेक्स हल के बारे में अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको ये तरीका भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ग्राम स्कैन एल्गोरिथम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, ग्राम स्कैन एल्गोरिथम। अब ग्राम स्कैन एल्गोरिथम क्या है, ग्राम स्कैन ने एक एल्गोरिथम दी थी कि इस कॉन्वेक्स हल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम को ग्राम स्कैन के थ्रू सॉल्व करेंगे, या गिव द एग्जांपल ऑफ ग्राम स्कैन कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम। तो आपको सिमिलरली ये पॉइंट दिए होते, सेम पॉइंट आपको यूज करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है द मिनिमम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि सबसे नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब मान लीजिए दो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते, यानी कि नीचे दोनों सेम होते, तो आप लेफ्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक ही पॉइंट हमारे पास सबसे नीचे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हुआ है। अब क्या करना है, इसके राइट वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है। इसका राइट में कौन सा पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसके अगले राइट पॉइंट को चाहे तो ये पॉइंट या ये पॉइंट, तो मान लीजिए ये राइट में इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं ना, हम लोगों को जाना कहाँ था, ये जो लाइन जा रही थी सीधी, ये लाइन इधर जा रही थी और ये लाइन इस तरफ मुड़ गई, यानी कि अगर ये लेफ्ट में मुड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ये राइट में मुड़ेगी, इसको ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखिए लाइन ये जा रही थी, ये जो लाइन थी ये इस तरह से सीधी जा रही थी ऊपर को, अगर हम इस लाइन को इस पॉइंट से मिला के देखें तो ऊपर जा रही थी। अब ये दो जगह मुड़ सकती है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, अब या तो ये इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा सकती है, यानी कि इसका मेन लाइन ये है। अब ये इस तरफ क्या है, राइट, और इस तरफ क्या है, लेफ्ट। तो जब ये लेफ्ट में मुड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब राइट में मुड़े तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। राइट में मुड़ेगी तो हमें क्या करना है, उसकी पहली वाली लाइन गलत होगी तो हमें उस लाइन को हटा देना है, यानी कि ये लाइन जब ये राइट में मुड़ेगी तो उसकी पहले वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन गलत होगी। तो जैसे ये राइट में मुड़ी तो हमें पता चला कि ये वाली लाइन हमने गलत ली थी, तो इसको हटाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अटैच करेंगे। अटैच किया, अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि ये जो लाइन कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर से ये देखा कहाँ मुड़ी है, राइट की तरफ मुड़ी है, यानी कि इसके पहली वाली जो लाइन थी वो भी गलत थी। तो इसके पहले लाइन कौन सी थी, ये वाली, तो इस लाइन को हटाएंगे और इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट किया और ये वाली लाइन भी गलत हुई, ये वाली लाइन भी गलत हुई। सिमिलरली हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया, इस पॉइंट को कवर कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट। तो हम देखेंगे कि हम इस तरफ जा रहे थे सीधे, ये लाइन जो इस तरफ जा रही थी, और हम इस तरफ मुड़े, किस तरफ मुड़े हैं, देखिए लेफ्ट में मुड़े हैं, यहाँ से ये लेफ्ट है और इस तरफ राइट है, तो लेफ्ट में मुड़े हैं, यानी कि ये वाली लाइन सही है अभी, यानी कि अभी हम इस लाइन की नहीं, हम इस लाइन की बात करें, ये वाली लाइन सही है। इसकी एक पहली लाइन के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ से हम देखिए यहाँ जाना चाहिए था, हम यहाँ से फिर मुड़े हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को कवर करने के लिए यहाँ मुड़े हैं। देखिए फिर से यहाँ जा रहे थे, ये राइट है इस तरफ और ये लेफ्ट है, लेफ्ट में मुड़े हैं, यानी कि ये वाली लाइन सही है। इसकी बात नहीं कर रहा, उसकी एक पहले वाली लाइन सही है। अगर आपको ग्राम स्कैन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्राम स्कैन चूंकि पॉपुलर है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट के लिए देखिए ये लाइन इधर जा रही थी और ये इधर मुड़ी हुई है, फिर से ये लेफ्ट में मुड़ी हुई, इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है, तो लेफ्ट में मुड़ी हुई है, यानी कि ये वाली लाइन सही है इसके पहले वाली लाइन तक। अब ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए चाहे तो इसके लिए देखिए पहले ये पॉइंट आ रहा है, तो मान लीजिए इसके लिए ये जा रहा है, तो अभी भी देखिए इस तरफ जाना था और ये इस तरफ मुड़ा है, कहाँ मुड़ा है, लेफ्ट में, ये राइट है इसका, इस तरफ जाएगा तो राइट होगा और इस तरफ आ रहा है तो लेफ्ट, तो जब लेफ्ट में जा रहा है तो मतलब सही है। कौन सी लाइन सही है, इसके पहले वाली। तो यहाँ पर हमारी ये चार लाइन कंप्लीट हो चुकी है, बाउंड्री बन चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए हम जब जाएंगे तो देखिए हमें जाना कहाँ था, यहाँ जा रहे थे हम, उसके बाद इस तरफ राइट है। अब हम इस तरफ से देखिए जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से देखिए, यहाँ से आ रहे थे इस तरफ राइट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखिए राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, ये कहाँ मुड़ा है, राइट की तरफ, यहाँ लेफ्ट इस तरफ था, राइट इस तरफ था, ये राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि इसके पहले वाली लाइन गलत थी, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट इस लाइन को हटा देंगे।
इस लाइन को हटा देंगे और इसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये लाइन हटा देंगे। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए कहाँ जाएगी ये लाइन, ये लाइन सीधी यहाँ जाएगी, इसके बाद ये यहाँ मुड़ी, नेक्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे लाइन मुड़ी है। जब ये यहाँ पे मुड़ी है इसका मतलब फिर से ये देखिए राइट में मुड़ी है, इस तरफ राइट है ये राइट में मुड़ी, यानी कि फिर से इसमें इस वाली लाइन ये गलत होगी इसके पहले वाली। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटाएंगे और इस पहले लाइन को हटाएंगे और इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम मुड़ेंगे तो देखिए हमें इस तरफ जाना था, हम इस तरफ मुड़े हैं, तो ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ है, ये लेफ्ट है इस तरफ और ये राइट है इस तरफ, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, यानी कि ये वाली लाइन सही है। अब हम यहाँ तक सही हो चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बचा है, सिर्फ यही पॉइंट बचा है। तो हमें जाना यहाँ था और हम यहाँ गए हैं, तो ये कौन सा है लेफ्ट, इस तरफ होता तो राइट, तो लेफ्ट मुड़े हैं यानी कि ये वाली भी लाइन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए हम यहाँ जाना था और हम इसमें गए होंगे, ये पहले से बनी हुई थी तो यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़े हैं, यानी कि ये वाली लाइन भी सही है। तो देखिए सेम डायग्राम इससे भी बन गया, सेम डायग्राम इससे बन गया। फर्क क्या होगा, इसमें हमने सारे पॉइंटों को नहीं देखा, हमने सिर्फ बाउंड्री पॉइंट को देखा और ये देखने में तो आसान लग रहा है कि बहुत जल्दी बन गया और इसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वो इसको ज़्यादा जल्दी इंप्लीमेंट कर लेगा, क्योंकि इसमें उसको सारे पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, कौन सा वाई का कोऑर्डिनेट है, कौन सा एक्स का कोऑर्डिनेट है, उसके बाद वो ये वाली लाइन खींचेगा, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि कौन कौन से पॉइंट बाहर रह गए हैं, फिर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगा। हमें आसान लग रहा है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि उसको सिर्फ पॉइंट को चेक करना है, उसको प्रीवियस लाइन से एंगल को चेक करना है, यहाँ पे आप चाहें तो इसको एंगल भी चेक कह सकते हैं, या फिर इसको देखना है कि ये लेफ्ट में मुड़ रहा है या राइट में मुड़ रहा है। तो इस तरीके से ग्राम स्कैन एल्गोरिथम जो होती है वो वर्क करती है। तो ये था कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम के बारे में। कॉन्वेक्स हल का मतलब क्या होता है, हमें एक बाउंड्री बनानी है जो कि सारे पॉइंट को अंदर कर सके और हमें मिनिमम से मिनिमम उसकी लेंथ चाहिए होती है। तो मिनिमम लेंथ के लिए हम ये दो एल्गोरिथम है, एक तो सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा आप ग्राम स्कैन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो जनरली एग्जाम में ग्राम स्कैन एल्गोरिथम पूछने को आती है तो आपको जनरली यही बताना है कि आपको सबसे पहले लाइन ये है कि आपको पी नॉट इनिशियलाइज करना है जो कि मिनिमम बाई कोऑर्डिनेट हो, अगर मिनिमम नहीं है दो पॉइंट है तो आपको लेफ्ट वाला लेना है, उसके बाद आपको तीन कंटिन्यूस पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है। क्योंकि तीन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए दो करते, ये दो पॉइंट करते तो एक ही लाइन बनती, हमने तीन किए तभी तो हम इसके साथ कंडीशन चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी पहली वाली लाइन सही है या गलत है। तो तीन पॉइंट को कनेक्ट कर लेना, उसके बाद एक लूप लगाएंगे या फिर हर एक एज के साथ चेक करेंगे क्या वो सेफ है या नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो होगा स्टैक। क्यों यूज होगा, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा गलत हो रहा है तो उसके पहले वाले वैल्यू को हम हटा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाली लाइन गलत होती है तो हम इसके पहले वाली वैल्यू को हटा रहे हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्टैक में आती है कि जो सबसे लास्ट में आया है उसको हम हटा सकें, तो इसलिए हम इसमें डाटा स्ट्रक्चर स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक में ये सारी एजेस रखते जाएंगे, जैसे ये लेफ्ट में मुड़ेगा तो वहाँ पे, जैसे ये राइट में मुड़ेगा तो हम उसके पहले वाली एज को पॉप करा देंगे। तो इस तरीके से ये स्टैक वर्क करता है कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम को ग्राम स्कैन के थ्रू सॉल्व करने के लिए, हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ये था ग्राम स्कैन और कॉन्वेक्स हल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।